चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए कि एक बार फिर से इसरो इतिहास रचने वाला है। आज हमारा इसरो की नज़र चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। इसरो का आदित्य L1 सूरज की तरफ निकल चुका है। आदित्य L1 भारत का पहला मिशन है जो सूरज की स्टडी करेगा, लेकिन जैसे चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया था वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं कर पाएगा बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। असल में ये सूरज के मुकाबले हमारे धरती के सबसे पास होगा। खास तौर पर कहा जाए तो लॉन्च होने के बाद से धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लार्ज पॉइंट L1 में एक हालो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। एक बार अगर ये वहां पहुंच गया तो 5 सालों तक वहीं रहकर हमारे सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए आदित्य L1 सिर्फ स्पेस क्राफ्ट ही नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये लार्ज पॉइंट क्या होता है। तो लार्ज पॉइंट स्पेस में वो अनोखे पॉइंट हैं जहां 2 सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है। सूरज और धरती को अगर हम देखें तो इनके 5 लार्ज पॉइंट बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लार्ज पॉइंट कहाँ कहाँ पर। ये वो पॉइंट है जहाँ पर अगर हम कोई स्पेस क्राफ्ट भेजें तो स्पेस क्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन यानी सेंट्रल फ्यूजल फोर्स धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसलेट आउट हो जाएगा। अब इसका फायदा यह होता है कि हमारे स्पेस क्राफ्ट को यहाँ स्टेबिलिटी मिलती है, यानी हमें इस पॉइंट पर स्पेस क्राफ्ट को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की कोशिश नहीं करनी होगी। इससे स्पेस क्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और यह स्पेस क्राफ्ट धरती और सूरज के आसपास गोल घूमता रहेगा। इससे ज़्यादा लंबे समय तक मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही इसका दूसरा फायदा यह है कि इससे लगातार सूरज पर निगरानी रखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लार्ज पॉइंट L1 की बात करें तो जो भी चीज़ हम L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो लगातार ऐसे पोजीशन में रहेगा जहाँ से धरती और सूरज को लगातार देखा जा सकता है, और ये कभी भी एक दूसरे की परछाई में सूरज धरती दोनों छुपे नहीं रहेंगे। जब हम किसी स्पेस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में भेजते हैं जैसे हमारा चंद्रयान 3 को भेजा गया था, या फिर किसी स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाता है, तो होता क्या है कि चांद के चारों तरफ गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छुप जाती है। इसीलिए लार्ज पॉइंट इतने ज़रूरी होते हैं और इसरो आदित्य L1 को लार्ज पॉइंट में ही स्थापित करने वाला है। इसी वजह से इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इससे पहले जिन देशों ने सोलर ऑब्जर्वेशन को भेजा है उन्हें भी L1 पॉइंट पर ही स्थापित किया गया था, जैसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी यानी SOHO। L1 और L2 सबसे खास और सबसे ज़रूरी लार्ज पॉइंट होता है क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट धरती से काफ़ी करीब हैं। अब आपको बता दें कि नासा का जो फेमस जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसे लार्ज पॉइंट 2 पर स्थापित किया गया है। दरअसल L2 पॉइंट में सूरज को धरती अपने पीछे छुपा कर रखती है, और क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप कई लाइट ईयर्स दूर के प्लैनेट्स, स्टार और स्पेस पर रिसर्च करेगा तो इसके लिए सूरज की रोशनी को छुपाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि इसके लेंस में कोई दिक्कत ना आ सके। इसीलिए नासा ने L2 पॉइंट को चुना है। अब आदित्य L1 मिशन के ऊपर आए तो ये भी सवाल बनता है कि जो हमारा आदित्य L1 है वो सूरज पर क्या स्टडी करेगा। तो इसे जानने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में जानना होगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार जो है वो हमारी धरती के तकरीबन 109 गुना ज़्यादा बड़ा है, और वजन में ये धरती से 3,33,000 गुना ज़्यादा भारी है। शायद आपको पता ना हो लेकिन सूरज के अंदर 13 लाख धरती समा सकते हैं। ये जो हमारी दुनिया है, जो हमारी पृथ्वी है, ऐसे ऐसे पृथ्वी सूरज के अंदर 13 लाख समा सकते हैं। इसी से आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारा सूरज कितना बड़ा और कितना विशाल है। अब जिस तरह से हमारी धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं जैसे इनर कोर, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ऐसे ही हमारे सूरज के अंदर भी अलग अलग कई लेयर्स हैं। सबसे अंदर एक कोर है जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम को एनर्जी में बदला जाता है और इसी एनर्जी से सूरज की रोशनी और गर्मी निकलती है। कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाहर है रेडियो एक्टिव जोन, फिर आती है कन्वेक्टिव जोन, इसके बाद आता है सूरज का सरफेस जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है फोटोस्फीयर। वैसे तो हम इसे सरफेस कहते हैं लेकिन असल में तो सूरज का कोई सरफेस ही नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। यहाँ का तापमान कोर के मुकाबले काफ़ी ठंडा है।
जिसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर, जहां पर तापमान फिर से बढ़ने लगता है। यहां तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और तापमान बढ़ते बढ़ते 20000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर एक और लेयर है ट्रांजिशन रीजन के नाम से। फिर आखिर में सबसे बाहरी लेयर होती है क्रोना लेयर। क्रोना लेयर में काफ़ी गर्म प्लाज्मा होता है जिसका तापमान 1 मिलियन डिग्री से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सूरज का कोर इतना गर्म है लेकिन इसका सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर इसके बाहरी क्षेत्र यानी क्रोना लेयर में फिर से गर्मी बढ़ जाती है। तो ये बात सिर्फ आपको ही हैरान नहीं कर रहा है दोस्तों, बल्कि यही बात हमारे वैज्ञानिकों के मन में भी बनता है। अभी तक इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि हमारा आदित्य L1 इस राज से पर्दा उठा दे। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो आम तौर पर हमें उसका फोटोस्फीयर ही दिखाई देता है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तब एक रेडिश ग्लो दिखता है जो क्रोमोस्फीयर होता है, और पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लगने पर वो लेयर भी छुप जाती है और सिर्फ क्रोना लेयर ही दिखती है। आदित्य L1 का मिशन है सूरज के इन्हीं तीनों लेयर पर स्टडी करना। इसके लिए हमने 7 पेलोड लगाए हैं और इनमें से पहला पेलोड है VELC यानी विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये क्रोना लेयर की स्टडी करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट, ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा। तीसरा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी SOLEX, और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हीलियस, ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्सरे पर स्टडी करेंगे। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX है, और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये दोनों सोलर विंड पर स्टडी करेंगे। और आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर यानी MAG, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आदित्य L1 कितना जरूरी है और ये सूरज पर किस चीज की स्टडी करेगा। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन के सफल लॉन्चिंग के लिए कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन इसरो लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।